हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेज। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास को बेहतर बनाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ बना रहे, यानी एक बार आप एक छोटा सा काम, चुटकी भर का सा काम आप लोग कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने इस क्लास को हम बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट करें, उससे पहले आप सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां मैं आपको करा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल मैं आपके लिए करा रहा हूं। और भारत के भूगोल में मैंने भारत के भौगोलिक परिचय को कंप्लीट कर दिया है। भारत की जो सामान्य जानकारी होती है उनको मैं करा चुका हूँ, और भारत की जो सीमाएं होती हैं, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, जलीय सीमा, उनको मैं कंप्लीट बिल्कुल करा चुका हूँ। वेब सीमा से जुड़े, स्थलीय सीमा से जुड़े देश व उनकी देश से जुड़ी सीमा रेखा, उनका निर्धारण, इन सबको मैं करा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट करा था भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत के भौतिक विभाजन को, भारत को भौतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जाता है ये मैं बता चुका हूँ, यानी भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। उसमें हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को लेकर चल रहे हैं, यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का जो भौगोलिक प्रदेश है, उत्तर का जो उत्तरीय पर्वतीय मैदान है, क्षेत्र है, उसको हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष पाठक जी हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग एक दूसरे को जोड़ लीजिएगा, फिर क्लास को पूरे इंटरेस्टिंग तरीके से, पूरे बेहतर तरीके से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, सभी लोग के लिए ना सभी कुछ समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हम मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, किसको लेकर दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी को लेकर बातें की जा रही हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी में मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है लेक्चर नंबर 12, यानी आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 रहेगा। इससे पहले मैं 11 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें थ्योरी के बाद आपके एमसीक्यूज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके तुरंत बाद भी मैं एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, और आपको ऐसा लगेगा कि वाकई सर आपने मज़ा बांध दिया, सर वाकई ही मज़ा आ गया, आपको IAS अधिकारी बनाकर छोड़ूंगा। देख लेना आप, जैसे ही मेरी थ्योरी खत्म होगी, थ्योरी के बाद जैसे ही मेरा एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे, मैं उन सभी एमसीक्यूज को उसमें शामिल करके लेकर आऊंगा जो IAS, PCS, MPPCS, BPSC या UPPCS के सभी एग्जाम के प्री एग्जाम तक में आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करूंगा। और आप उनको सॉल्व करते समय कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम क्यों नहीं कर सकते किसी भी स्टेट PCS को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी 8449889709। यानी यहाँ मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने भारत के भूगोल से संबंधित या भूगोल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फेसबुक आईडी है, वहाँ पर मैं लगातार पोस्ट डालता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह की नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। ईमेल आईडी पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका ये ATUL यानी अतुल्य कोचिंग @gmail.com। ठीक है, चलो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पूरे बेहतर तरीके से। आज की क्लास को इतने में से इतना आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा। आशुतोष पाठक जी हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार, करंट अफेयर्स रिवीजन 2.4, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, ओके, गुड मॉर्निंग जी। इंद्रजीत निठारिया जी हमसे जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी स्वागत है आपका, ओके, अच्छा वही इंद्रजीत जी हैं हमारे ऑफलाइन वाले, भी स्वागत है स्पेशल। एकता पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी एकता जी, स्वागत है आपका। तो सभी लोग जो हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। देखिए दोस्तों, जो लोग हमसे चाहते हैं सर हमें कुछ PDF चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, वी हैव नो एनी स्टडी मटेरियल, इफ़ यू वांट टू गेट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम अतुल सर, अतुल सर के माध्यम से अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी हाथों से लिखे हुए नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आप चाहते हो तो प्रिंटेड नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ आपको देखिएगा नोट्स इन PPT के फॉर्म में भी आपको दिए जाएंगे। कौन से फॉर्म में दोस्तों? नोट्स इन PPT के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हो, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि हमको कितना आता है, क्या हम एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या वाकई हम एग्जाम में देख पाएंगे सभी चीज़ों को। और वो दोबारा नंबर व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं 8449889709 पर। ठीक है, और जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, अब जो मार्केट में हमारे जब बुक आ जाएगी तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, सारी बुक सेलर पर अवेलेबल होंगी, आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और बेहतर कंटेंट मैंने इसके अंदर डाला है, सीक्वेंस वाइज तरीके से डाला है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, फिर क्लास को पढ़ाते हैं आगे बहुत बेहतर तरीके से।
चलिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, आज हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लघु यानी छोटा हिमालय, इसको और किस नाम में, मध्य हिमालय। देखिए लघु है इसका मतलब छोटा है, वृद्ध हिमालय से छोटा है इसलिए इसको लघु हिमालय के श्रेणी में रखा गया है। मध्य हिमालय इसको क्यों कहा जाता है? चूंकि ये शिवालिक हिमालय और वृद्ध हिमालय दोनों के मध्य में स्थित होता है तो इसलिए इसको मध्य हिमालय का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको मध्य हिमालय का नाम दिया हुआ है। तो आज हम इसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड होगी दोस्तों, यकीन मानना बहुत ही बेहतर आपकी क्लास होने वाली है। मैं आपको कुल्लू, मनाली, रानीखेत, अल्मोड़ा ये सारी जगह पर घुमाऊंगा बिना किसी कॉस्ट पे, आपको मज़ा आ जाएगा आज की इस क्लास में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इस क्लास में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस ना करते हुए चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए। देखिए दोस्तों समझेगा मैंने क्या लिखा है, लघु या मध्य हिमालय। लघु यानी छोटा हिमालय, मध्य मतलब शिवालिक और वृद्ध हिमालय के बीच में पाया जाता है इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। समझ में बात आ रही है? जैसे महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, महान हिमालय ठीक है के नाम से जाना जाता था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी दो नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में यानी नीचे पाई जाती है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समांतर फैली हुई है। बात समझ सकते हैं? देखिए ना समझ रहे हैं तो और भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आपको किस तरीके से बातें समझनी है। देखिए यानी ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये एक श्रेणी है, ये भी एक श्रेणी है और ये भी एक श्रेणी है। यानी ये वाली जो श्रेणी है यहाँ पर, जो ये श्रेणी आपको देखने को मिलेगी ये आपकी वृद्ध हिमालय की है। कौन सी है दोस्तों? वृद्ध हिमालय के, ठीक ग्रेट हिमालय जिसको कहा जाता है। नीचे एक श्रेणी है, नीचे भी एक श्रेणी है जिसको आप देख सकते हो, ये श्रेणी, ये वाली ये श्रेणी नीचे कौन सी है जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है और जल्दी ही आज इस क्लास के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी है। अब जो शिवालिक श्रेणी और इन दोनों के मध्य में जो आती है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? वो हो जाएगी आपकी ये वाली श्रेणी जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मध्य हिमालय क्यों कहा जाता है? मैंने दोनों को मध्य में है नहीं है, यानी ये जो है इसके तो ये दक्षिण में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? इसके तो ये, इसके दक्षिण में पड़ती है और इसकी बात करूं तो ये इसके उत्तर में पड़ती है। समझ में बात आ रही है? इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मध्य हिमालय है वो किस श्रेणी के उत्तर में पड़ता है, तो शिवालिक श्रेणी के उत्तर में पड़ता है और वृद्ध हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है भाई, यहां से मैंने इस तरह से भी आपको करके बता दिया है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल, तृप्ति गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। बहुत बढ़िया, अभी हमें भी गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है तृप्ति जी ने, स्वागत है तृप्ति जी आपका। आशुतोष पाठक जी सभी लोग हमसे जुड़ चुके हैं आज से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आशुतोष जी सर आपकी आपकी हर क्लास में मज़ा आता है स्पेशली इंग्लिश में। ओके चलो कोई बात नहीं, स्पेशली इंग्लिश में तो मज़ा आता ही है, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट वो भी जानते होंगे। ज्योग्राफी में पूरा आनंद आने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ से आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि ये महान हिमालय, जो आपका महान हिमालय है, ये जो आपका महान हिमालय है, देखिए ये जो आपका महान हिमालय है इसके दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में ही पाई जाती है। ठीक है, यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है दोस्तों? 80 से 100 किलोमीटर ये चौड़ी पाई जाती है। कौन सी भैया? लघु हिमालय। ध्यान रखिएगा इसकी चौड़ाई अगर आपसे पूछ ले तो 80 से 100 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई पाई जाती है, ऊंचाई नहीं, इसकी जो चौड़ाई जितने क्षेत्र में को ये फैला है ऐसे करके, ठीक है किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1800 से लेकर 3000 मीटर तक, 1800 से लेकर 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई, अधिकतम नहीं न न्यूनतम, एवरेज यानी औसत ऊंचाई की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई इसकी हम 4500 मीटर तक देखने को मिलती है, यानी अधिकतम ऊंची चोटियां 4500 मीटर तक की ऊंची चोटियां जो हैं वो हमारे लघु हिमालय में देखने को मिलती हैं। इससे ऊपर जो हम बात कर रहे थे मध्य वृद्ध हिमालय की, तो वृद्ध हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, उसके बाद मकालू है, लेहोत्स है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, ये सारी उसके अंदर ही मिल रही थी। किसके अंदर? वृद्ध हिमालय के अंतर्गत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
श्वेता सिंधु जी हमसे जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग श्वेता जी। राकेश कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं, राकेश जी स्वागत है आपका। दोस्तों सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मैं अतुल कुमार मसोतिया आपकी अपनी इस ज्योग्राफी की क्लास में। इस क्लास का एंजॉय करने के लिए लाइक शेयर करते रहिएगा। जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, जो कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाइएगा, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी रखा है दिस रेंज एक्सटेंड पैरेलल। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के क्या है? साउथ में पड़ती है। एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक हिमालय के नॉर्थ में पड़ती है। इट्स 8200 किलोमीटर इज वाइड। इस जो वाइड एंड वाइडनेस, इसको जो चौड़ाई है वो इतनी है। आप लोग इस इंग्लिश वाले भी समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड को और बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पीर पंजाल श्रेणी, समझे दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यानी कह सकते हैं जो लघु हिमालय है उस वो कहाँ तक फैला हुआ है पश्चिम में? पीर पंजाल श्रेणी तक। कौन सी श्रेणी तक दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी तक। पीर पंजाल एक श्रेणी का नाम भी है और पीर पंजाल एक आपको दर्रा भी देखने को मिलेगा। ये मत कहिएगा सर पीर पंजाल तो आपने श्रेणी बताई थी, दर्रा कहाँ से आ गया? दर्रा भी होता है और पीर पंजाल श्रेणी भी होती है, ठीक है। इसके पश्चिम तक विस्तार कहाँ तक है? पीर पंजाल श्रेणी तक है। और जिसका कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है, कहाँ मिलता है दोस्तों? कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है पीर पंजाल श्रेणी का। यह इस श्रेणी की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। यानी लघु हिमालय की जो सबसे प्रमुख और सबसे लंबी श्रेणी की मैं बात करूं तो वो कौन सी श्रेणी है दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी की बात मैं कर रहा हूं। इंग्लिश वालों की बात करूं, इट इज फाउंड टिल द पंजाब रेंज, कहाँ? ठीक है, सॉरी, पीर पंजाल रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ये नाम है दोस्तों, आप ये मत कहना सर पीर पंजाल को पीर पंजाल ही क्यों कह दिया भाई। आप में आपके सभी के नाम है, जैसे बिल्कुल रूबी निगम जी हमसे जुड़ चुके हैं, शहजाद अली जी हमसे जुड़ चुके हैं, पायल रानी जी हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए आप सभी लोगों के जो नाम है, स्वागत आप सभी लोगों का। तो आपके नाम को मैं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं, फारसी में लिखूं, बोला यही जाएगा। रूबी निगम है तो रूबी निगम ही बोला जाएगा, पायल रानी है तो पायल रानी ही बोला जाएगा, आशुतोष पाठक है तो आशुतोष पाठक ही बोला जाएगा। चेंज नहीं हो सकता दोस्तों, इट्स अ नाउन, ठीक है। तो इसको पीर पंजाल ही बोला जाएगा, ये मत बोलना कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी साथ साथ देखते चले। चले दोस्तों मैं आगे की कहां, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। इन श्रेणियों पर कौन सा दोस्तों? चक्रोता। ये एक पर्यटक स्थल है, बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल, जहां आप का जाने के बाद आने का मन नहीं करेगा दोस्तों। तो ये आपका चक्रोता नाम का जो एक पर्यटक स्थल है वो भी पाया जाता है मंसूरी। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत स्थल मंसूरी। नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल आपको देखने को मिलेगी। रानीखेत, वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म याद आपको आ जाएगी, जहां राजा हिंदुस्तानी का गाना शूट हुआ है। कौन सा गाना दोस्तों बताइएगा? सारी मूवी का आपको बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, इंद्रजीत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू, गुड मॉर्निंग इंद्रजीत जी। पहला ने इंग्लिश की ग्रामर और वोकैब की क्लास होती है क्या? देखिए अकॉर्डिंग टू सीटेट एग्जाम नाउ डेज आई एम नॉट गोइंग टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब क्लास ऑल्सो नाउ डेज आई एम टीचिंग ओनली द इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। चलिए भैया, रानीखेत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा जो कि बहुत ही पर्यटक बेहतर पर्यटक स्थल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत शहर आपको दिखाऊंगा। डलहौजी नगर आपको दिखाया जाएगा, ये सारे नगर। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इन शहरों के बारे में, क्या आपको घुमाने ले जाऊंगा इस वजह से? क्या ये खूबसूरत स्थल है इस वजह से? नहीं दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, चूंकि आपसे पूछा जाता है भारत का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल दार्जिलिंग हिमालय की कौन सी श्रेणी में पाया जाता है। तो दोस्तों आप अगर पढ़ रहे हैं अतुल कुमार मसोतिया सर से, तो आपको बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव द राइट आंसर बिकॉज आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। मैं आपको बता रहा हूं ये सारे कहां पढ़ते हैं? लघु हिमालय में पढ़ते हैं दोस्तों। कहां पढ़ते हैं? लघु हिमालय, मध्य हिमालय में पढ़ते हैं। चलिए, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर तक देखने को मिलती है। जिनकी ऊंचाई कितनी मिलती है? 1500 से 2000 मीटर तक देखने को मिलती है। ये इसकी एवरेज ऊंचाई देखो, चक्रोता, मंसूरी, ये आपका नैनीताल, सब इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। चलिए भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराता हूं उन जगह से जो मैंने जगह आपको दिखाई है। चक्राता या चक्रोता, कैसे भी इसको बोला जा सकता है, चक्रोता एक पर्यटक स्थल है जहां आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं आपका मन करेगा यहां पर घूमने को, ठीक है। वो गाना आपको याद आएगा यहां पर कि दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात जगा है कहीं पर नहीं। यहां जाकर आपको ऐसे ऐसे गाने याद आएंगे कि यार वाकई बहुत ही बेहतर,
बहुत ही बेहतर ये जगह है और यहाँ से चलने का मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये आपको दिखा रहा हूँ मैं चकराता पर्यटक स्थल के बारे में, और आगे देखिएगा आगे जो मैं बढ़ रहा हूँ और एक पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी मंसूरी, मंसूरी को आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्पेंटाइन रोड, ये सर्पों की तरह रोड, सांप की तरह मुड़ाव वाले रोड आपको बहुत लुभाने होंगे, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, बिल्कुल सही बात है। कुछ ना कुछ ऐसे ही खूबसूरत सॉन्ग आपको गाने को मिलेंगे इन जगह पर जब आप ऐसी जगह घूमने के लिए जाएंगे। रिंकी गुप्ता जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, रिंकी जी स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहतर क्लास में, आपके अपने इस क्लास में, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच आशुतोष पाठक जी। देखिए यहाँ पर ऐसी घूमती हुई सांप की तरह सर्पाकार सर्पेंटाइन, जो लोग मेरे इंग्लिश में इंग्लिश की क्लास ले चुके हैं ऐसे रोड को क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन रोड, सर्पेंटाइन रोड आपको देखने को मिलेंगी, और इस प्रकार की रोड आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा खूबसूरत नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बिना किसी बिना एक रुपये भी खर्च करे आपको ऐसी चीज़ों के दर्शन करा रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं नैनीताल, एक खूबसूरत पर्यटक स्थल की ओर। ये नैनीतालों में ताल नैनीताल आपको देखने को मिलेगी, ऊँचे ऊँचे पर्वतों के बीच, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच आपको एक तलैया देखने को मिलेगी, ताल देखने को मिलेगी जहां पर नौकाएं चल रही होंगी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग आप आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक करते हैं अल्मोड़ा की ओर। ये अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ आपको देखने को मिलेगा कितनी खूबसूरत घास के ये ढालदार मैदान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर रुक करते हैं और कुछ और चित्र आपको दिखाते हैं जो और भी बेहतर चित्र हैं, उसके बाद फिर देखिए। ये दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है दार्जिलिंग, तो देखिएगा दोस्तों दार्जिलिंग कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी नाई ने, किसी हेयर ड्रेसर ने किसी व्यक्ति के बालों को तरीके से काटा है, हनी सिंह कट बना दिया है इन पूरे में। देखिएगा आप ये हनी सिंह कट तो बने हुए देख लीजिएगा, ये कितने खूबसूरत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह भारत में है, आपको एक पश्चाताप होगा यदि आप घूमने के लिए नहीं गए होंगे। मैंने तो एक मैं नैनीताल घूम चुका हूँ, तो नैनीताल की जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ही बढ़िया लगी। चलिए दोस्तों आगे की ओर रुक करते हैं, क्लास को और बढ़ाते हैं बेहतर तरीके से। ये आपको देख लेते हैं दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है, और उस नगर में ये पार्क आपको देखने को मिलेगा, इतना खूबसूरत पार्क आपको देखने को शायद ही कहीं मिले। चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की ओर, कुछ ऐसे तथ्यों की ओर जिनको जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिएगा, आपसे ज़्यादा पंक्चुअल तो वो व्यक्ति है जो बेचारा हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आता है और इस तरह से एक डिसलाइक का बटन दबाकर चला जाता है। बट थैंक यू सो मच भाई उस स्पेशल लड़के के लिए, उस लड़की के लिए, उस स्टूडेंट के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही डिसलाइक करके जाता है। कम से कम तुम हमारी क्लास के प्रति रेगुलर तो हो, पंक्चुअल तो हो कम से कम, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं, पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर कि भाई कोणधारी वन, कोणधारी वन हिमालय के कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं, तो कौन सी श्रेणी पाए जाते हैं आपको, कोणधारी वन पाए जाते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान, किस चीज़ के मैदान दोस्तों, घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है दोस्तों, मर्ग के नाम से पुकारा जाता है। मर्ग कौन कौन से, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, इस तरीके के ये मर्ग जितने भी हैं, जैसे द्वार हैं हरिद्वार, कोट द्वार, ये बहुत सारे द्वार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका बिल्कुल बहुत बड़े क्या लिख रहे हैं जी सर, नैनीताल बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं भी जा चुका हूँ, वेरी गुड आशुतोष पाठक जी, बहुत बढ़िया, रियल में बहुत खूबसूरत है। चलिए आप लोगों का मुझे ऐड, क्या बार बार आ जाता है भाई, चलिए मैं थोड़ा सा आपके मैं पता नहीं, चलिए आप लोगों के मुझे कमेंट अब दिख रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया। सर जी डिसलाइक वाला भी अपनी प्रेजेंट लगवा रहा है डेली, बिल्कुल अरे ऐसे लगवा रहा है, एक भी क्लास उसकी नहीं छूटती। देखिए यहाँ पर आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तरांचल में बुग्याल और परियार नाम से इसको जाना जाता है। देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा मध्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले मैदान, मध्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, और इसी को आप उत्तरांचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में किस नाम से पुकारा जाता, बुग्याल या प्यार नाम से पुकारा जाता, प्यार
नहीं दोस्तों, प्यार मत समझ लेना, इसको कहा जाता है प्यार के नाम से, इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की कहा इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। देखिए आपको मैं बता दूं कोणधारी वन कैसे होते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, दिखा देता हूं आपको। कोणधारी वन वो वन होते हैं जो ऊपर से ऐसे एंगल बनाए होते हैं, ट्रायंगल आपको देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के आपको कोणधारी वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा बताकर। ये देखिए यहां पर भी जितने भी हैं सब कोणधारी वन है, ये भी कोणधारी वन है, यानी ये यहाँ पर आपको ऐसे ट्रायंगल देखने को मिलेगा, आपको कोण देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कोणधारी वन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ अधिक मात्रा में पड़ती है, और बर्फ अगर सीधा पेड़ हो तो सीधे पेड़ पर बर्फ जम जाती है, और उसके अंदर जो पानी जो भरा होता है, उसकी जो तनों में टहनियों में जो पानी भरा होता है उसको जमाकर उसको फाड़ने का काम कर देती है, जिस कारण पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अब कोणधारी वन पे बर्फ गिरेगी और ऐसे नीचे ढल जाती है, इसी कारण यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। पता नहीं क्यों, चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बुग्याल खयाल, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई दोस्तों, अब मैंने आपको कोणधारी वन दिखा दिए, तो कोणधारी वन से आगे आपको क्या दिखाने वाला हूँ देख लीजिएगा। ये वो हैं गुलमर्ग के मैदान, ये वो गुलमर्ग के मैदान है जो आपको देखने को मिलेंगे, उन घास के मैदानों पर लेटकर खुले आसमान के नीचे आपको अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल, आपका नज़ारा आपके साथ होगा, लगेगा कि यार काश मेरी एक कोठी, एक बंगला, एक हवेली काश यहीं होती और ऐसे ही मैं यहीं पर होता, तो ऐसे खूबसूरत मैदान आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सोनमर्ग के मैदान, ये सोनमर्ग के मैदान में आपको ये आपको झोपड़ी नुमा मकान आपको देखने को मिलेंगे, पास में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, और नीचे इस तरह से आपको ये मैदान देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा जैसी कौन सी दोस्तों, यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा जैसी अन्य महत्वपूर्ण घाटियाँ भी पाई जाती हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ किस हिमालय के किस श्रेणी में पाई जाती हैं, तो आपको भूलना नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आपको पहचान में नहीं रहा, सर हम तो भूल गए, ऐसा नहीं होगा भाई, आपको याद करना पड़ेगा। चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ, मेरा फोटो दिखाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के माइंड में पिक्चर सेट हो जाए, आप लोगों को आप चित्र के माध्यम से याद करें, क्योंकि दुनिया में आप और हम जो भी चीज़ याद करते हैं सब चित्र के माध्यम से याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ हम डिजिट या उस लेटर के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ ए, मैं आपके सामने क्या बोलता हूँ ए, तो दोस्तों जब मैं आपके सामने ए बोलूँगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का चित्र नज़र आएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी ए का एक चित्र, एक सिंबल आपके सामने नज़र आएगा। ऐसा तो नहीं है ए बोलने पर ऐश्वर्य राय का फोटो दिखाई देने लगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि ए बोलूँ और ऐश्वर्य राय का फोटो दिखाई देने लगे, नहीं, यानी हम सब चीज़ चित्र के माध्यम से याद करते हैं, इसलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट कैसी होती है ये भी आपको बताऊंगा, अनुप्रस्थ काट की घाटी है और जो रावी नदी के उत्तर में विस्तृत है, और रावी नदी कहाँ बहती है और इस नदी को पार करने के लिए किसकी सेना ने मना कर दिया था, ये इतिहास के कुछ पन्नों को हम आपके सामने खोलते चले जाएंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये थी आपकी मध्य हिमालय की बातें। कौन सी बातें दोस्तों, ये अब तक की जो बातें थी ये मध्य हिमालय की बातें थी, यानी मध्य हिमालय को आप कहाँ पड़ता है, शिवालिक और वृद्ध हिमालय के मध्यम पड़ता है, जिस कारण इसको मध्य हिमालय कहते हैं। यहाँ पर मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग के मैदान पाए जाते हैं, बुग्याल प्यार इनको कहा जाता है उत्तरांचल में। ठीक है, यहीं पर आपको मंसूरी, नैनीताल जैसे, रानीखेत जैसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको जड़ी बूटी वाले क्षेत्र इसको कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख लीजिएगा शिवालिक हिमालय, वाही हिमालय जिसके साथ मैं जो आप डिस्कस करूँगा, शिवालिक हिमालय इसको कहा जाता है, वाही हिमालय इसको कहा जाता है, वाही हिमालय मतलब सबसे बाहर का हिमालय है, सबसे बाहर वाला हिमालय, इसको वाही हिमालय भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसकी कुछ खासियतों को जान लेते हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके संबंध में बेहद जाननी जरूरी है। शिवालिक श्रेणी या वाही हिमालय, शिवालिक श्रेणी या वाही हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी, अभी मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय,
उसके नीचे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आपका महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या आपका वृद्ध हिमालय, उसके नीचे आओगे तो आपका मध्य हिमालय, सबसे नीचे आओगे तो आपका शिवालिक हिमालय या वायु हिमालय। यानी जो शिवालिक श्रेणी है, कौन सी श्रेणी दोस्तों? शिवालिक श्रेणी यह वायु हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी चोटी है, दक्षिणी श्रेणी है, सबसे यानी नीचे वाली, सबसे दक्षिण में पड़ने वाली श्रेणी है, ठीक है। तथा भौगोलिक रूप से, यह एक युवा भाग है। अब युवा भाग इसको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लगातार इसमें विस्तार देखने को मिल रहा है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली की श्रेणी की कह सकते हैं सबसे दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्री के दृष्टिकोण से सबसे कनिष्ठतम पर्वत कड़ी है, पर्वतमाला कड़ी है। यानी इसका कनिष्ठतम कौन होता है? सबसे छोटी, कहते हैं ना कनिष्क भाई, एक कनिष्क क्लर्क होते हैं, छोटे वाले क्लर्क, एक अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क, जो लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं इसको कनिष्क सहायक क्लर्क भी कहते हैं। तो ये वही है कनिष्ठतम, मतलब सबसे छोटी, समझ बात आ रही है, पर्वतमाला की कड़ी है, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले भी समझ लीजिएगा, ऑल्सो कॉल्ड शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय, इसको आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। इज द मोस्ट साउथर्न, ये सबसे ज्यादा दक्षिण पड़ती है, मोस्ट साउथर्न है। ज्योग्राफिकली यंग पार्ट ऑफ द हिमालय, ये हिमालय का सबसे यंग पार्ट माना जाता है, ठीक है। दैट एक्सटेंड, जो फैला हुआ है कहाँ? फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इट इज द साउथर्न मोस्ट एंड द जियोलॉजिकल लिंक ऑफ द हिमालयाज माउंटेन सिस्टम, द लोवेस्ट माउंटेन लिंक। बात समझ आ रही दोस्तों? ये सबसे लोवेस्ट माउंटेन का एक जोड़ है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानने बेहद जरूरी है। समझिएगा, शिवालिक को जम्मू में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। समझ में बात आ रही है दोस्तों? इसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं यहाँ पर राजनीतिक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भौगोलिक बंटवारा किया तो मैं आपको लघु हिमालय, महान हिमालय इस प्रदेश के हिसाब से बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये क्षमा यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं, सिकंदर की वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इतिहास गवाह है, यही कारण था कि उसको वापसी लौटना पड़ा था। बिल्कुल, रेखा कश्यप जी हमसे जुड़ चुके हैं, सर आई ज्वाइन द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। दोस्तों, अगर ज्वाइन कर चुके हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा। आप ये वाला लाइक थंब इंप्रेशन ऊपर होना चाहिए। कुछ लोगों को ये नहीं पता है, सर लाइक कैसे करना है। देखिए, इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से लेकर और निम्न प्लेस्टोसीन काल के मध्य हुआ है। आप ये कहोगे, सर ये मायोसीन प्लेस्टोसीन क्या है? इस टॉपिक को मैंने जान के छोड़ा था आप लोगों के लिए, चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यानी जिस तरह से हमारी इस भूमि का निर्माण हुआ, पहले कौन से पर्वत बने, कौन से पहाड़ बने, कैसे कंकड़ बने, पत्थर बने, कौन सी पहाड़ियाँ, कौन से ये पर्वत कैसे बने, इन सबको एक काल में विभाजित किया गया है। तो ये वो कालों के नाम है, पायोसिन और प्लेस्टोसीन काल, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को और भी आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आगे कहानियाँ। अभी तक हमने बात करी थी गुलमर्ग को लेकर, सोनमर्ग को लेकर, टनमर्ग को लेकर, और आपके अल्मोड़ा को लेकर, दार्जिलिंग को लेकर, और आपके मैंने नैनीताल को लेकर। अब हम बात करने वाले हैं किसको लेकर? द्वार को लेकर, हरिद्वार को लेकर, देहरादून को लेकर। यानी वृद्ध सीमांत दरार यानी सेपरेटेड क्रैक्स मैनली वैली आर द फाउंड बिटवीन द शिवालिक हिमालय। यानी वृद्ध सीमांत दरार के माध्यम से यह अलग होता है, किससे? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अन्य घाटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं मेरे दोस्तों? अन्य इसके बीच घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों का नाम पूछ लेता है एग्जामिनर, कौन कौन सी घाटियां, इनको पश्चिम व मध्य भाग में किस नाम से पुकारते हैं? दून। किस नाम से दोस्तों? दून के नाम से पुकारते हैं, जैसे देहरादून है, देहरादून जो आपको बहुत ही खूबसूरत जगह है,
पूर्व में द्वार के नाम से, पश्चिम में इसको किस नाम से पुकारते हैं, दून, और पूर्व में इसको द्वार के नाम से पुकारते हैं। जैसे द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार, कोटद्वार, ठीक है, मझद्वार, ये कई सारे द्वार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास अच्छी लग रही है, लग रही है, बताइएगा भाई दोस्तों मज़ा आ रहा है या नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है नहीं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, जल्दी से थंब इंप्रेस करके एक छोटा सा सिंबल भेजकर मुझे बताइएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं पूरे बेहतर तरीके से। दोस्तों लाइक और शेयर बराबर करते रहिएगा, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा, इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाते रहिएगा, समाज सेवी बने भाई, स्वार्थी ना बने, आप लोगों को समाज सेवी बनना है, अल्ट्रुइस्ट बनना है। इंग्लिश में एक वर्ड मैं अक्सर बच्चों को कराता हूँ, ALTRUIST, अल्टुरिस्ट, अल्टुरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या मतलब होता है दोस्तों? परोपकारी। तो आपको परोपकारी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना दोस्तों, सेल्फिश नहीं बनना है। तो जो लोग सेल्फिश बने भैया, सेल्फिश ना बने, दूसरों का भला सोचे, कर भला तो हो भला वाली बात करें। हिमालय पर्वत की दो घुमाव युक्त व मोड़दार भुजाएं हैं, हिमालय पर्वत की दो मोड़युक्त और घुमावदार दो भुजाएं। अब कौन कौन सी भुजाएं भैया? घुमावयुक्त और मोड़दार दो भुजाएं हैं। आइए देख लेते हैं उन भुजाएं वो कौन सी हैं। ये घुमाव उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज, उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज और उत्तर पूर्व में दिहांग गार्ज से है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर आकर देखिए मैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, आपको ये भारत का नक्शा में छोटा सा बना लेता हूं। ये भारत का नक्शा है, ये देखिए ये भारत का नक्शा है। अब ये मैं बता रहा हूं कहां से कहां तक। एक यहां पर सिंधु नदी निकलती है यहां से, और यहीं से निकलती है आपकी एक ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियां यहीं से निकलती हैं, लेकिन दोनों बड़ी एक दूसरे की सोतन है, एक दूसरे की दुश्मन है, एक दूसरे के साथ नहीं चलना है, एक दूसरे से अलग इनको चलना है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां चल रही है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कहां पर चल रही है। हाँ यहां से देख लेते हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहां से चली और यहां से एंट्री करती हुई और यहाँ एंट्री कर जाती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये चली जाती है आपके पूर्व दिशा में और यहाँ से ये निकलती है, ये वाली जब नदी निकलती है तो ये कहाँ जाती है? ये यहाँ से एंट्री करती हुई यहाँ बढ़ती है और ये गार्ज बनाती हुई और यहाँ गिर जाती है अरब सागर में जाकर। ये आपकी कौन सी नदी है दोस्तों? ये है आपकी सिंधु नदी, सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। अब ये बताया था मैंने आपको जो इस हिमालय का विस्तार है, ये दो घुमावदार श्रेणी के बीच में है। अब जो घुमावदार श्रेणी कौन सी है भैया, उनको भी जान लीजिएगा, वो दोनों घुमावदार कणियाँ कौन सी हैं, समझे? देखें ये नहीं दिखाई देगा, चलो सफ़ेद ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर ये घुमावदार हुई नहीं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इनका विस्तार क्या होता है? पाया जाता है। आई होप कि आपको चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ पा रहे हैं या नहीं? यानी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हिमालय पर्वत दो घुमाव मुक्त मोड़दार भुजाएँ हैं, ये घुमाएँ सिंधु गार्ज। ये कौन सी है दोस्तों? ये आपके सिंधु गार्ज हैं, सिंधु गार्ज। देखिए यहां पर बनता है आपका सिंधु गार्ज, ये सिंधु गार्ज बनाती है सिंधु नदी। और ये जो दूसरी नदी आपको देखने को मिल रही है, ये आपको कौन सा गार्ज बनाएगी? ये बनाती है यहां पर जाकर अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा गार्ज बनाती है? ये बनाती है आपका दिहांग गार्ज के नाम से इसको पुकारा जाता है, दिहांग गार्ज के नाम से भी इसको पुकारा जाता है और इस नाम से भी इसको दिहांग गार्ज के नाम से इसको पुकारा जाता है, देख लीजिएगा। अब देखिए इसका विस्तार पाकिस्तान में, इसका विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? इसका विस्तार
पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला के रूप में, सुलेमान की पहाड़ियों के रूप में और किरथर की पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है। इसका विस्तार अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला है, सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर के रूप में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं जो हिंदू कुश पर्वतमाला, सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर की पहाड़ियाँ, ये किस हिमालय का भाग है? तो ये हमारा शिवालिक हिमालय का एक भाग है। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं बेहतर तरीके से। देखिएगा, दूसरा घुमावदार मोड़ इसके उत्तर पूर्वी सिरे से आरंभ होता है। कहां से? उत्तर और पूर्वी सिरे से, उत्तर और पूर्वी सिरे से आरंभ होता है। इसमें गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां की पहाड़ियां मणिपुर में पटकोई लुसाई की पहाड़ियां आती हैं। आप लोग कह रहे होंगे सर ये कैसे कैसे नाम देखने को मिल रहे हैं, पटकोई, मिसमी, किसमी और ये खासो, गारो, खासी, ये कहाँ सर, कोरोना करके छोड़ोगे क्या? नहीं दोस्तों, ऐसे ही कुछ नाम ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेढंगे से नाम है, कुछ क्षेत्रीय नाम है, वहाँ जैसे क्षेत्र में उसको जिस रूप से पुकारा जाता हम लोगों को उसी रूप में जाननी है। इसी का घुमावदार मोड़ विस्तार भारत में म्यांमार सीमा पर अराकान योमा, म्यांमार सीमा पर अराकान योमा के पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं नोट्स के रूप में पहुंचूं तो ये जो आपको देखने को मिले, ये वाली श्रेणी यहां पर ही है। इसको बोला जाता है दोस्तों, क्या इसको बोला जाता है? अराकान योमा। इसको बोला जाता है अराकान योमा। यानी कहीं ना कहीं म्यांमार और भारत के बीच जो श्रेणियां हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो भी हिमालय का ही पूर्वी भाग हैं, जिनको पटकोई के नाम से, मणिपुर की पहाड़ियों के नाम से, मिजोरम में मिजो के नाम से, असम में असमी की पहाड़ी के नाम से, किसमी की पहाड़ी के नाम से, मिसमी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये सब चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, देखो ये आज की क्लास में कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, और इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास का टाइम भी हमारा लगभग समाप्त की ओर है। मैं देख लेता हूँ टाइम हमारा कितना हो चुका है। ठीक है, कैसी लगी दोस्तों क्लास मुझे बताइएगा, ऐसी छोटी छोटी। और एक बात और आपको बता दूँ, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, ये क्लास हमारी हिमालय की जो पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उससे जुड़े मैं सारे तथ्य बता चुका हूँ, उससे जुड़े मैं सारे तथ्य बता चुका हूँ। अगली क्लास जो मेरी होगी दोस्तों, एक मिनट, चलिए दोस्तों, एक मैं कह रहा हूँ कि अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी MCQs को लेकर, यानी हिमालय पर्वत, यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर जितने भी क्वेश्चन मैंने थ्योरी कराई है उन सबसे रिलेटेड मैं MCQs की सीरीज कराऊंगा आगे। उस क्लास को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। ठीक है, एक छोटा सा काम आप लोग कर जाएं दोस्तों, एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आप लोग पूरी करके जानी है आपको, वो है आपकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को, तभी इस क्लास में बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, एकता पांडे जी, सभी लोग। ठीक है भाई, एक छोटा सा काम आप लोग करके जाएंगे, तब तक के लिए आप लोगों से चाहता हूँ मैं विदा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे तरीके साथ देते जाइएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय भीम, जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज़।